Okay, so these are some of the learners from Unacademy Plus platform in who have secured AIR 1 in GATE 2024. तो जो भी बच्चे GATE and ESC की तैयारी कर रहे हैं वो Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. Unacademy पर ड्रॉपर टू टॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है 30th अप्रैल से, ठीक है ना. तो मेटल फॉर्मिंग और मेटल कास्टिंग से स्टार्ट हो रहा है बैच. तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच से Unacademy Plus पे ये अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं. ओके, आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं मात्र 12,000 रुपये में. और 2 साल का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं 20,000 रुपये में, राइट. तो ये लोवेस्ट प्राइस है Unacademy प्लेटफॉर्म पर. सो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो और ये ऑफर 27 अप्रैल तक है, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा. इन केस यू रिक्वायर एनी कोड यू कैन यूज कोड GSG लाइव. आप GSG लाइव कोड यूज करके जो है सब्सक्राइब कर सकते हो. नए एस्पिरेंट, वो ड्रॉपर बैच के लिए है, नए एस्पिरेंट्स के लिए भी 30th अप्रैल से नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये सारी जो बुक्स है ना उसका हार्ड कॉपी मिलेगा और आपके एड्रेस पे होम डिलीवरी कर दिया जाएगा इन सारी बुक्स का, राइट. ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रेडिएशन हीट ट्रांसफर में जो बार्क इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, राइट. तो देखो, पहला जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, बार्क में क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं हमेशा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपसे क्या जानना चाह रहा है, ठीक है. कंसिडर अ फ्लैट प्लेट, फ्लैट वर्टिकल प्लेट एज शोन इन द फिगर. तो एक प्लेट दिया है. फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम. सिस्टम में हीट कितना जा रहा है और सिस्टम से बाहर कितना जा रहा है, इसका आप एक्सप्रेशन निकालो, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना. एक बॉडी से कितना हीट ट्रांसफर इसमें हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है. तो यूजली हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करो. अब क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या है. फर्स्ट स्टेप का आंसर ये है कि जब भी मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर टी है, या तो बॉडी हीट गेन करेगा या बॉडी जो है हीट लॉस करेगा. तो आप बताओगे कि भाई देखो ये टेम्परेचर T1 है और एक ये रियल बॉडी है जिसका एमिसिविटी लेट से एप्सिलॉन 1 है, ठीक है ना. तो अब कैसे पता चलता है कि बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है या बॉडी हीट लूज कर रहा है. भाई दो ही केस हैं, या तो बॉडी हीट लूज करेगा मतलब बॉडी से हीट लॉस होगा, या बॉडी से में हीट गेन होगा. दो ही काम है, हो सकते हैं हीट लॉस या हीट गेन. कैसे कंपेयर करते हैं, इस टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का MSU पावर क्या है, EB1. और ये बहुत सिंपल होता है निकालना. किसी बॉडी का ब्लैक बॉडी MSU पावर क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से लगा निकाल सकते हो, ठीक है ना. ओके, अच्छा, दूसरा, इस बॉडी का रेडियोसिटी J1. J1 क्या है, रेडियोसिटी. J1 इज रेडियोसिटी, ठीक है. तो होता ये है कि अगर किसी बॉडी का ब्लैक बॉडी MSU पावर रेडियोसिटी से ज्यादा है, ठीक है ना, सो हीट लूज होगा. बॉडी लूजेस हीट थ्रू रेडिएशन, ठीक है ना. अच्छा, अगर उल्टा हुआ, अगर आपका रेडियोसिटी ज्यादा हो गया तो हीट गेन होगा, और रेडिएशन हीट ट्रांसफर में इसको पॉजिटिव हीट ट्रांसफर बोलते हैं. मतलब इधर से अगर ये ज्यादा है तो बॉडी हीट लूज करेगा, अगर ये ज्यादा है तो बॉडी हीट गेन करेगा. मतलब हीट का ट्रांसफर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा. बट ये निकाले कैसे, ठीक है ना. जैसे आप ये बताओगे तुरंत आपसे एक काउंटर क्वेश्चन होगा, व्हाट इज रेडियोसिटी, और ये जो हीट ट्रांसफर का एक्सप्रेशन है ये आप हम कैसे निकालें, ठीक है ना. तो इसी की ओर चलते हैं आगे. देखो, रेडियोसिटी क्या होता है, आप ध्यान रखना. मान लो एक ये बॉडी है, ठीक है, दिस इज अ बॉडी, और इस पे हीट फॉल कर रहा है, रेडिएशन हीट जो है फॉल कर रहा है जी, ठीक है ना. जितना हीट इस पे पड़ेगा उसको बोलते हैं इरेडिएशन. जो हीट बॉडी पे पड़ेगा यहां पे उसको क्या बोलते हैं, इरेडिएशन, ठीक. अब इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक,
कितना रिफ्लेक्ट होगा, मान लो इसका रिफ्लेक्टिविटी है रो, तो रो इंटू जी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा सीधा ट्रांसमिट होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। मान लो ट्रांसमिटिविटी है तो कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एब्जॉर्बिटी अल्फा इंटू जी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, बॉडी पे बाहर से जितना इरेडिएशन पड़ रहा था दैट इज जी, ठीक है ना। ओके, अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझो। अच्छा, तो ये एनर्जी पड़ रहा है, ये उसका एक हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब मैं ओपेक सरफेस मान लेता हूं, तो इसका काम हो गया जीरो। ओपेक सरफेस में कोई हीट ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो अवर बॉडी इज अ ओपेक सरफेस, ठीक, रिफ्लेक्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। ओके, अच्छा, एक रेडिएशन वो भी है जो ये बॉडी एमिट करेगा, विच इज ई, ठीक। तो अगर देखोगे तो नेट रेडिएशन जो बॉडी में पड़ता है उसको बोलते हैं जी रेडिएशन। नेट रेडिएशन जो बॉडी से बाहर आ रहा है उसके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन सा, एक जो बॉडी एमिट कर रहा है, एक जो बॉडी एमिट कर रहा है, और दूसरा दूसरा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जो जितना रेडिएशन बाहर आ रहा है बॉडी से, ठीक है, नेट रेडिएशन रिफ्लेक्शन के थ्रू और एमिशन के थ्रू, उसी को बोलते हैं रेडियोसिटी। सो जे इज योर रेडियोसिटी, जे है आपका रेडियोसिटी, ठीक है। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, रेडियोसिटी को कैसे रीअरेंज कर सकते हो, ध्यान से देखना। देखो, एमिसिव पावर को क्या लिख सकते हो, अप्सलन, मान लो ये, ठीक है, अप्सलन हम लिख सकते हैं इनटू ईबी, ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर, है ना। तो वैसे भी एमिसिविटी क्या होता है, कितना एमिशन हो रहा है, मतलब ब्लैक बॉडी कितना एमिट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई एमिसिविटी। इसको आप 1 माइनस अल्फा इंटू जी लिख सकते हैं। अब ये समझ लो ये कैसे, देखो कायदे से अल्फा रो अब्जॉर्बिटी रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी का सम होता है 1, बट ये है ओपेक सरफेस, सो देर इज नथिंग लाइक ट्रांसमिसिविटी, ओनली रिफ्लेक्टिविटी एंड एब्जॉर्बिटी। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, लेकिन किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से अगर कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पर मेंटेन है तो उसमें अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, तो हम यहाँ एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो कायदे से जे इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, ई बी प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी। अब गौर फरमाना, रेडियोसिटी मेरे पास आ गया। अब देखो, नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा क्या, देखो किसी बॉडी पे जितना रेडिएशन पड़ रहा है दैट इज इरेडिएशन, है ना, और जितना इससे रेडिएशन बाहर जा रहा है दैट इज रेडियोसिटी, अभी हमने देखा। तो इस बॉडी से बाहर कितना जा रहा है, जीवन, ठीक है ना। इस बॉडी पे पड़ कितना रहा है, जीवन, और इनटू एरिया, ये हो गया नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी क्यू। अब ध्यान से देखना, अगर रेडियोसिटी, अब देखो हमने क्या माना है, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, ठीक है ना, तो हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव माना है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब हीट लॉस है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब हीट गेन है। नेगेटिव का मतलब क्या है, पड़ ज्यादा रहा है और ये एमिट कम कर रहा है ना, और पॉजिटिव मतलब क्या है, एमिशन ज्यादा है और जो ऊपर पड़ रहा है रेडिएशन कम है। अच्छा ठीक है, अब इसमें से कैसे भी करके हमें जी को एलिमिनेट करना है। जी को एलिमिनेट कर देंगे, जी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से देखो इसको रीअरेंज करो, तो जी इक्वल्स टू यहां से क्या आएगा, जे माइनस अप्सलन ई बी डिवाइड बाई 1 माइनस अप्सलन, ये आएगा, ठीक है। इसको उठा के यहां रख लो, अब देखो यहां मैंने 1 नोटेशन दिया है तो मैं हर चीज पे 1 दे दूंगा, यहां मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन कर लिया, तो जीवन तुम्हारा क्या हो जाएगा, J1 माइनस अप्सलन 1 ई बी 1, ठीक है ना। तो J1 माइनस जी क्या हो जाएगा, जी आप यहां देख लो, जे माइनस एप्सिलॉन बी, तो यहां हो जाएगा J1 माइनस E1 EB1 ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये देखो J1 आ जाएगा, ये J1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस E1 J1 आ जाएगा, माइनस ये J1 हो जाएगा, और ये प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू EB1 हो जाएगा,
डिवाइड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन 1 भी रहेगा। और ध्यान रहे साथ में एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया है एंड दैट इज एरिया, ठीक है ओके। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखो जीवन जीवन कैंसिल होगा, पिंक का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको। जीवन जीवन कैंसिल हो गया, अब ये उल्टा हो जाएगा ई बी माइनस J1 और यहाँ एक टोटल में मल्टीप्लिकेशन एरिया का तो रहेगा ही, ठीक है ना। ई बी माइनस J1 और ये A1 इंटू एप्सिलॉन 1 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन। अब देखो ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर है, मैंने वही बोला था ना। देखो ये ऐसा है कि ई बी अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करो तो ई बी और J1 वोल्टेज की जैसे है, कैसे है वोल्टेज की जैसे। तो जैसे मान लो यहाँ पे वोल्टेज है ई बी वन जे वन और बीच में एक थर्मल रेजिस्टेंस है जिसको हम सरफेस रेजिस्टेंस बोलते हैं और ये हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 A1 एप्सिलॉन 1, ठीक है ना। अब बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर Q पॉजिटिव आ रहा है, Q पॉजिटिव आ रहा मतलब ई बी वन ज़्यादा है और J1 कम है तो बॉडी हीट लॉस कर रहा है। Q पॉजिटिव मतलब हीट लॉस को मानते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये तो आपका मान लो लेट्स से कि बॉडी है और इस केस में EB1 ज्यादा है J1 से, सो हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, और अगर EB1 कम है, अगर EB1 कम है J1 ज्यादा है, हीट गेन हो जाएगा। और कितना गेन होगा उसके लिए वो रिलेशन है। सो आई होप कि ये पॉइंट तो आप अच्छे से जो है समझ गए होगे कि हीट लॉस और हीट गेन फ्रॉम द बॉडी कितना होगा, ठीक है ओके। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होगे। तो यही पूछा था, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट लॉस हो रहा है या सिस्टम में हीट गेन हो रहा है, उसका ये तरीका है, ठीक है ना। आप थोड़ा इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है तो मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो स्टूडेंट बताते हैं कि हाँ सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप के, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो आपको बताना है, कंसिडर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस ओनली बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल व्यू फैक्टर्स एंड डराइव एक्सप्रेशन फॉर देम, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, देर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। एक मान लो ऐसा स्फीयर है और दूसरा ऐसा स्फीयर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, ओके नहीं है ठीक है, इसको मान लो ऐसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर और दोनों के बीच में रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है, R1 रेडियस है या R2 रेडियस है ना। इसमें पूछा है कितने पॉसिबल टाइप के व्यू फैक्टर्स होंगे, कितने टाइप के व्यू फैक्टर्स पॉसिबल हैं इस केस में, और आपको सारे व्यू फैक्टर्स बताना है पहले तो, और उसके बाद इनकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, दो बॉडी है तो सबसे पहले एक चीज़ आपको पता होगा कि जो आपका रेडिएशन व्यू फैक्टर है वो कितना होता है। अगर ये क्या है, सबसे पहले दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इट्स एन टू बॉडी इनक्लोजर प्रॉब्लम। क्या है ये टू बॉडी इनक्लोजर प्रॉब्लम है, दो बॉडी का इंक्लोजर है, मतलब हीट का आदान प्रदान दो बॉडी के बीच में हो रहा है। जब ऐसा होता है तो आपका व्यू फैक्टर टोटल कितने होंगे, 4, 2×2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, F11, F12, F13,
F21 और F22, ठीक है ना, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, राइट। अब इसमें ध्यान से देखो, जो F11 होता है, अगर कोई सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है ऐसे, तो कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा, इस बॉडी सरफेस से निकला हो, इस पे पड़ा हुआ रेडिएशन और इससे बाहर गया हुआ रेडिएशन, सॉरी इससे बाहर निकलने वाला रेडिएशन वापस इस पे कभी नहीं गिरेगा। तो यदि आपका कॉन्वेक्स सरफेस है या आपका ऐसा है फ्लैट सरफेस, दोनों ही केस में जो है आपका यहां इस सरफेस से निकला हुआ रेडिएशन कभी वापस सरफेस पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो आपका F11 फर्स्ट एक इस सरफेस से निकला हुआ रेडिएशन और वापस इस पे पड़ने वाला जो रेडिएशन है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो F11 क्या होने वाला है आपका, जीरो, ठीक है ना। इस केस में भी अंदर वाला कॉन्वेक्स सरफेस है तो F11 जीरो होगा, ये वाला इससे निकला हुआ, मैं मान रहा हूं आउटर सरफेस से ही हीट जा रहा है, ठीक है ना, आउटर सरफेस से ही हीट लॉस हो रहा है, तो इससे निकलने वाला हीट कभी इस पे नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें बहुत आपको सहूलत मिल जाएगी, अगर F11 जीरो है, ठीक है, तो समेशन रूल क्या कहता है, रो का सम वन होगा, तो समेशन रूल के हिसाब से F11 प्लस F12 इज वन। जब F11 जीरो हो गया तो F12 कितना होगा, F12 होगा वन, ठीक है ना, F12 हो गया वन, ठीक है ना, तो दो आ गए आपके, इसकी वैल्यू हो गई वन और इसकी वैल्यू हो गई जीरो। अब इसके इसके बीच में आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम वन और टू के बीच में, तो A1F12 इज इक्वल टू A2F21, ठीक है ना। अच्छा, वन का एरिया क्या है, 4πr1² F12 आपको पता है वन है, और A2 कितना है, 4πr2² और ये F21 है, तो F21 क्या हो जाएगा, F21 आपका हो जाएगा r1² / r2² ठीक है, ओके। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये यही है तुम्हारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है ना, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम हो गया, तो F12 आ गया, ठीक है ना, ओके। अब आप अगेन इस पे समेशन रूल का अप्लाई कर सकते हो, अगेन रो का सम जो है वो क्या होगा, रो का सम वन होगा, तो F21 प्लस F22 क्या होने वाला है, वन, F21 पता है, तो F22 क्या हो जाएगा, वन माइनस F21 और ये वन, टू वन कितना है, r1² / r2² तो आ गया ये, ठीक है ना, तो दिस बिकम्स योर F22। क्लियर, सो आई होप कि सारे जितने भी आपके व्यू फैक्टर्स हैं F11, F12 वो सब आपने निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो F11 कितना है, F11 जीरो है, समराइज कर देता हूँ, F12 वन है, ठीक, F21 जो है वो r1² / r2² है, और F22 जो है दैट इज वन माइनस r1² / r2², तो चारों जो व्यू फैक्टर हैं उनका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। सो आप इसको अच्छे से कर लेना, देखो मैंने आपको स्फीयर के लिए करा दिया, सेम क्वेश्चन वो सिलेंडर के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जो आपसे बार बार पूछेगा, क्या अगर मैं लोकेशन चेंज कर दूं थोड़ा स्फीयर का, मतलब सेंटर पे ना रख के ऑफ सेंटर कर दूं, मतलब कंसेंट्रिक का ना रख के नॉन कंसेंट्रिक हो, तो क्या व्यू फैक्टर की वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है बोलेगा नहीं कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, F11 जीरो ही होगा, ठीक, F11 जीरो होगा, F21 वन ही होगा, फिर सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा, लेकिन आपको फंसा सकता है कि नॉन कॉन्सेंट्रिक होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो दिस वॉज अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आप एक बार सिलेंडर के लिए कर लेना,
अगर आप खुद से करना चाहते हो, डू इट फॉर सिलेंडर, मैंने कंसेंट्रेट स्फीयर से के लिए किया। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर टू इनफाइनाइट प्लेट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस डी, ड्रॉ द थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क फॉर द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। वीडियो को पॉज कर लो और ध्यान से इस क्वेश्चन को समराइज करो, इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब आप बुक में पढ़ते हो तो एकदम प्रॉब्लम स्पेसिफाई होता है, जब आप इंटरव्यू में जाके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, उसमें आप जैसे आंसर देते हो उस हिसाब से आपका जो फॉलो अप क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है दो इनफाइनाइट प्लेट है ऐसे, दो इनफाइनाइट प्लेट है ऐसे, और आपको इसका थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क बताना है, इसके बीच में हीट ट्रांसफर। मान लो ये वन है, ये टू है। देखो कायदे से क्या होगा, कायदे से ये होगा कि देखो ये इनके इनके बीच में रेडिएशन का आदान प्रदान होगा, ये कुछ एंड्स है ना, ये यहाँ पे एंड है ना, जहाँ पे ये एंड होगा वहाँ से ये प्लेट सराउंडिंग को भी हीट लॉस कर रहा होगा, यहाँ से ये सराउंडिंग को भी हीट लॉस कर रहा होगा। तो कायदे से हीट का आदान प्रदान थ्री बॉडीज के बीच में हो रहा है, सो प्रैक्टिकली एक्चुअली ठीक है ना, इट्स एन थ्री बॉडी इंक्लोजर। अब थ्री बॉडी इंक्लोजर में कौन कौन है, बॉडी वन है, ठीक दो दिख रहे हो, दिख रहा है तुम्हें प्लेट वन, थ्री बॉडी इंक्लोजर में तीन बॉडी कौन सी है, एक आपका प्लेट वन, प्लेट टू एंड प्लेट थ्री, प्लेट थ्री नहीं सॉरी, ये एटमॉस्फेयर, तीन बॉडी इंक्लोजर है कायदे से क्योंकि सराउंडिंग में हीट लॉस होगा। बट होता क्या है, तो अब अगर पूछे ऐसे बनाओ तो थ्री बॉडी इंक्लोजर का आपको थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाना है इस केस में, ठीक है ना। आप एटमॉस्फेयर ऐसे मान लो पूछ अड़ ही जाए, कह रहे तुम नहीं मुझे ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चाहिए, तो आप एटमॉस्फेयर को ब्लैक बॉडी मान सकते हो, यू वी कैन ऑलवेज एज्यूम एटमॉस्फेयर टू बी ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एटमॉस्फेयर को ब्लैक बॉडी मान के थ्री बॉडी इंक्लोजर वाला बना दो। बट देखो जो यूजली हम करते हैं, ये एंड इफेक्ट को अगर मैं इग्नोर कर दूं, मतलब हीट ट्रांसफर, इफ इफ हीट ट्रांसफर थ्रू एजेस एजेस इज इग्नोर्ड, समझ रहे बात को, इग्नोर कर दिया, नाउ दिस प्रॉब्लम रिड्यूस टू टू बॉडी इनक्लोजर। ठीक है ना, अब देखो तीन केस एग्जिस्ट करेंगे, किसी बॉडी से हीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको कैसे पता करना पड़ेगा। इस बॉडी का मान लो प्लेट का मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है, T1, इसका टेम्परेचर है T1, और इसका टेम्परेचर है T2, इस बॉडी का टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर है T1। ठीक है, अगर ऐसा है ठीक है ना, तो आप रेजिस्टेंस नेटवर्क बना सकते हो। देखो आप हमेशा ऐसे कंपेयर करोगे, फर्स्ट वाले का एमएसयू पावर, अभी एक क्वेश्चन में मैंने कराया था, फर्स्ट वाले का रेडियोसिटी, ठीक, सेकंड वाले का रेडियोसिटी और सेकंड वाले का एमएसयू पावर, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में ये वैल्यू बढ़ेंगी। अब देखो एक काम हो सकता है, अगर T1 T2 से बड़ा है तो मतलब हीट ट्रांसफर कहां होगी, 1 to 2 हीट ट्रांसफर होगी, और अगर 1 to 2 हीट ट्रांसफर होगा तो ये सारी वैल्यूज इस सीक्वेंस में होगी। अगर 1 to 2 हीट ट्रांसफर हो रहा तो EB1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा J1 होगा, उससे छोटा J2 होगा, और सबसे छोटा EB2 होगा, अगर हीट ट्रांसफर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो। ऐसे ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर 2 का ज्यादा हो 1 से, 2 का ज्यादा होगा तो फिर उल्टा डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा और ये सारी वैल्यूज जो है ना इधर को होंगे,
सबसे बड़ा कौन होगा? ई बी टू, उससे छोटा जे टू, उससे छोटा जे वन, सबसे छोटा। अब इस केस में हीट ट्रांसफर टू टू वन होगा, यहाँ लिख देता हूँ, हीट ट्रांसफर विल बी फ्रॉम टू टू वन, टू टू वन हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है ना? ओके, जैसा भी हो आप अज्यूम कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो आप बोल देना कि भाई नहीं मुझे टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, ई बी वन और जे वन के बीच में सरफेस रेजिस्टेंस होता है, ई बी टू जे टू, जे टू और ई बी टू के बीच में सरफेस रेजिस्टेंस होगा, ये इसका होगा वन माइनस एप्सिलॉन वन ए वन ई वन, और ये क्या होगा वन माइनस एप्सिलॉन टू ई टू एप्सिलॉन टू, ठीक है ना? अच्छा, वन बॉडी वन और बॉडी टू के बीच में क्या होगा? स्पेस रेजिस्टेंस, विच इज कोई एक एरिया ले लो ए वन एफ वन टू, तो आप चाहो तो जो है वो ए वन एफ वन टू लिख सकते हो, लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम से आपको पता है कि ए वन एफ वन टू इज इक्वल टू ए टू एफ टू वन, ठीक है ना? तो आप ये भी लिख सकते हो। अब आप हीट ट्रांसफर के लिए तैयार हो, हीट ट्रांसफर लिखने के लिए तैयार हो, ठीक है ना? हीट ट्रांसफर कैसा होगा, मान लो मैं वन टू टू ही मान रहा हूँ, तो ये प्लस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ई बी टू माइनस ई बी वन माइनस ई बी टू, वन माइनस एप्सिलॉन वन बाई ए वन एप्सिलॉन वन, प्लस वन बाई ये सरफेस रेजिस्टेंस है, दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस, ये सरफेस रेजिस्टेंस है, दिस इज सरफेस रेजिस्टेंस, एंड दिस बिकम्स योर स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है? अगेन बॉडी टू के लिए ये होगा। अब इसमें होता क्या है कि दोनों एरिया बहुत बड़े हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों एरिया इनफाइनाइट प्लेट है ना, ए के बराबर है, ठीक? तो आप ए कॉमन ले लो, तो जब एरिया बहुत बड़ा होता है तो हम फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, तो ये फ्लक्स है आपका, ठीक है ना? अगर ये फ्लक्स है तो ए ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ई बी वन माइनस ई बी टू डिवाइड बाई, ये देखो क्या हो जाएगा, ए वन ऊपर चला गया तो ये एप्सिलॉन वन प्लस ये यहाँ से वन बाई एप्सिलॉन टू, और यहाँ से ये देखो माइनस वन माइनस वन, तो माइनस टू, और यहाँ से वन, ए वन तो गया एफ वन टू वन है, ठीक है ना? तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर का जो फ्लक्स है बिटवीन टू इनफाइनाइट प्लेट्स, दैट इज ई बी वन माइनस ई बी टू, अब देखो अगर कहीं भी टू बॉडी इंक्लोजर है, अगर कहीं भी टू बॉडी इंक्लोजर है तो ये वाला आपका एक्सप्रेशन लगेगा, जो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है उसके लिए इसके फर्दर मॉडिफिकेशन है। अब दो इनफाइनाइट प्लेट की जगह अगर मान लो दो कंसेंट्रिक सर्कल है या दो कंसेंट्रिक सिलेंडर है या कुछ भी दो बॉडी है, तो आपका ऊपर वाला तो लगेगा, उसके बाद मॉडिफाई होगा, ठीक है ना? तो ये यूजली डेरिवेशन एक बार बच्चे से पूछा था कि ऐसा डेरिवेशन हमें करके दिखाओ, ठीक है ना? बेसिक डेरिवेशन ही पूछते हैं, लेकिन होता क्या कि हम लोग बेसिक भूल जाते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं ना, तो जब फॉर्मूला याद रखते हैं तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना? अब इस देखो इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से मॉडिफाई किया गया था, है ना? ये क्या कह रहा है कि थर्मल रेजिस्टेंस नेटवर्क ड्रॉ करो, ठीक है? एक लार्ज कैविटी में एक स्मॉल बॉडी रखा हुआ, क्या है? एक लार्ज कैविटी में एक स्मॉल बॉडी रखा हुआ, ठीक है? लार्ज कैविटी है, और उसमें एक स्मॉल कैविटी ऐसे रखा हुआ, इसका एरिया ए वन मान लो, इसका एरिया ए टू मान लो। अब है ये टू बॉडी इंक्लोजर, तो मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, टू बॉडी इंक्लोजर का बेसिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, मैं इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन होगा ये बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी भी है, बहुत बार इंटरव्यूज में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनाता है, ठीक है ना? तो ये तो समझ में आ गया कि भैया ये टू बॉडी इंक्लोजर है, ठीक है ना? और ये टू बॉडी इंक्लोजर है, और इसकी खासियत क्या है? एरिया ए वन इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ द कैविटी, तो ए वन इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू ए टू,
तो आप कह सकते हो कि अगर ए वन और ए टू दोनों का रेशियो लिया जाए तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ठीक है ना, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली जीरो, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो होने वाला है, ठीक है। चलो अभी मैंने टू बॉडी इनक्लोजर का पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाया था, मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन माना जाता है आपको चालू वहीं से करना है। अब मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ तो रिपीट करने से फायदा नहीं है, आप पुराना देख सकते हो, मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो करना क्या है, ए वन को कॉमन ले लो, ठीक है ना, ए वन को कॉमन ले लो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ए वन को कॉमन लेके इधर चला जाएगा तो ये क्यू डॉट बाई ए वन हो जाएगा, है ना, ओके। अब देखो ये ई बी वन माइनस ई बी टू, अच्छा ये ए वन चला गया, ये क्या बचा, वन वन बाई एप्सिलॉन माइनस वन, ये बचा, ये बचा एफ वन टू, तो यहां भी वन ही होगा, ये वन बचा, प्लस यहां ए वन बाई ए टू आ गया एंड मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस, ठीक। अब ध्यान से देखो ए वन बाई ए टू यहां पे यही यही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ए वन बाई ए टू जीरो है इसलिए मैंने कॉमन लिया था, तो जब ए वन बाई ए टू बाहर हो जाएगा तो ये टर्म क्या होने वाला है, जीरो। और अगर a1 वन बाई ए टू जीरो हो गया तो अब देखो ये क्या जाएगा, देखो ये तो जीरो हो गया, ये प्लस ये e1 हो गया, ये e1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो e1 और ये a1 इधर से ले आओ, a1 ठीक, और ये क्या हो जाएगा a1 e1 और इसको आप सिग्मा कॉमन ले लो तो T1 टू दी पावर 4 माइनस T2 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, तो अगर एक बॉडी का सरफेस एरिया दूसरे से बहुत ज्यादा है तो उस केस में, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को पिक कर सकते हैं, दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, कुछ और डेरिवेशन जो रेडिएशन के इसी से लिंक्ड है वो कराऊंगा, ठीक है ना, आप इनको अच्छे से कर लें। और ध्यान रहे जब भी मैं कोई डेरिवेशन कर रहा हूं उससे एसोसिएटेड चीजें ध्यान रखें कि और आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो अभी मैं 5 to 6 और डेरिवेशन रेडिएशन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों से बात करने मुझे पता लगा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। सो बाय, टेक केयर।